बॉलीवुड के अंदर अभी तक जितनी भी एक्सपेरिमेंटल मूवीज बनी है वो सारी फ्लॉप हुई है। जैसे रावण जो कि SRK की थी, शाहरुख खान की मूवी फ्लॉप हो गई यार, वो भी उस टाइम पे। उसके अलावा रजनीकांत की मूवी रोबोट 2.0 जिसके अंदर अक्षय कुमार भी थे, फिर भी वो फ्लॉप हुई। अभी जैसे ब्रह्मास्त्र मूवी आने वाली है जिसका बजट सिर्फ 300 करोड़ है और उसको 3,500 करोड़ एंड गेम मूवी से कंपेयर करते हैं हम लोग, फिर हम लोग हाइप कम कर देते हैं कि भाई ये मूवी इतनी अच्छी नहीं है। भाई बजट भी तो देखो यार, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑडियंस जिसके लिए मूवीज बनती है। अब मान लो किसी बंदे को एक दिन का हॉलीडे मिला, वो के मूवी देखना चाहता है, एंजॉय करना चाहता है, उससे पहले उसे 6 मूवी और देखनी पड़ेगी ताकि वो 7वीं मूवी को समझ सके। इसीलिए बॉलीवुड की आज भी नॉर्मल मूवीज जैसे हीरो बनती वो चल जाती है, वरना डायरेक्टर पागल नहीं है कि पैसा फूंक रहे हैं।